नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज आपको बताते हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा का बायोलॉजी जीव विज्ञान के पेपर की आंसर की। दोस्तों, आपके पास में पहला प्रश्न है, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, वो दर्शाता है सहप्रभाविता। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो दोस्तों, वो है युग्मनज, जो कि 2N होती है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एंडोकार्पिक, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हमारे पास में यहाँ पे, कैंसरस सेल्स को क्या कहते हैं? दोस्तों, क्या प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, या हेला सेल्स कहते हैं, या मेमोरी सेल्स कहते हैं, या टी सेल्स कहते हैं? दोस्तों जल्दी से बताइए क्या कहते हैं उन्हें। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों यहाँ पे मेमोरी सेल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? मेमोरी सेल्स। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? तो दोस्तों, ई को आर आई क्या है? यहाँ पे प्लाज्मिड है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास भी छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन यहाँ पे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है? तो दोस्तों, वो हमारे पास में कौन है दोस्तों? वो है हमारे पास में स्प्लिट जीन। कौन है? स्प्लिट जीन। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में अगला प्रश्न है, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो दोस्तों, कौन सा पिरामिड है वो कभी उल्टा नहीं होता? वह ऊर्जा का पिरामिड। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में अगला प्रश्न है, अपघटक कैसे होते हैं? तो दोस्तों, अपघटक होते हैं वो परपोषक होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं? परपोषक होते हैं। आगे नौवां प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था मेथोनिजेंस बैक्टीरिया होते हैं, वो यहाँ पे गोबर गैस में प्रयुक्त होते हैं। दसवां प्रश्न है, नील हरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? दोस्तों, वो है यहाँ पे चावल की खेती के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में ग्यारहवां प्रश्न है, हमारे पास में निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है? तो दोस्तों, वो हमारे पास में है AUG। कौन है? AUG, यानी कि AUG बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं बारहवें प्रश्न की तरफ, ZZ और ZW किस तरह का लिंग निर्धारण देखा गया है? तो दोस्तों, वो देखा जाता है हमारे पास में यहाँ पे जो हमारे पास में मुर्गियाँ होती है उनमें देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी होगा, यानी कि पिकॉक्स। आगे चलते हैं दोस्तों, पक्षियों में देखा जाता है ज़्यादातर वो। आगे हमारे पास में प्रश्न हमारे पास में आगे खत्म हो चुके हैं दोस्तों, इतने ही प्रश्न हमारे पास में थे। तो दोस्तों, आगे जो प्रश्न है उसको देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे एडवर्टाइज है वो भी जरूर देखना। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के मॉडल पर पाने के लिए आज ही विजिट करें rklr.in। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइए डाउट नट के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर, वहां पर अपने प्रश्न का फोटो भेजिए, तुरंत ही आपको उस प्रश्न का उत्तर हल सहित वीडियो द्वारा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।